धन धन भागति ना भगत जना जो हर नामा जो हर नामा हर मुख कहते जो हर नामा हर मुख कहते हर मुख कहते धन धन भाग तिना संत जना जो हर जस सर्वणे सुनते धन धन भाग तिना साध जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनतिया धन धन भाग तिना गुरमुखा जो गुर सिख ले मन जनतिया सब दो वड्डे भाग गुरसिखा के जो गुर चरनी सिख पढ़ते आ निमाने के माने गुरु निताने के ताने गुरु ओटियां की ओट गुरु नियासरों के आसरा आसरा गुरु धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महारा कर्म मिले आखर तेरा नाओ कर्म मिले आखर तेरा नाओ 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 कर्म मिले आखर तेरा नाओ कर्म मिले आखर तेरा नाओ 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 जित लग तर तेरा नाम तेरा नाम तेरा
जियो तपत है बारो बार। जियो तपत है बारो बार, तप तप खपे बहुत जतन बाणी विसर जाए जो पका रोगी बिललाए, जो पका रोगी बिललाए, जो कर्म मिले आखन तेरा नाओ, कर्म मिले आखन तेरा नाओ, तेरा नाओ 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 बहुत बोलन चखन हो बहुत बहुता बहुता भोल बहुता बोलन चखन हो बिन बोले जाने बिन सब सोए बहुत बोलन चखन हो बिन बोले जाने सब सोए बिन बोले जाने सब सोए बिन बोले जाने सब सोए तेरा नाओ 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 कर्म मिले तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम।
जिन कन कीते अखीना जिन जेहवा दीते बोले तात जिन जेहवा दीते बोले तात जिन मन राखे अग्नि पाए वाजे पवन आखे सब जाए वाजे पवन आखे सब जाए वाजे पवन आखे सब जाए तेरा नाम 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 कर्म मिले परेत स्वाद सबा कालक दागा दाग दाग दोस मोहे चले आला करम मिले आखण तेरा नाम जित लग तरना और नहीं था करम मिले आखण तेरा नाम तेरा नाओ तेरा ना आख तेरा नाओ
जित लग तरना जित लग तरना हो जित लग तरना और नहीं था जय को डूबे फिर हो वैसार सार फिर हो वैसार नानक साचा सर्व दाता जय को डूबे फिर होवे सार नानक साचा सर्व दाता नानक साचा सर्व दाता नानक साचा सर्व दाता तेरा नाम 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 कर्म मिले आखर तेरा नाम कर्म मिले आखर तेरा नाम 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 परम सत्कार योग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाज जी गुरु रूप साध संगत जी साहिबां दी पावन पवित्र पते प्रवान करनी जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन दे विच जे किते सिख सिख बन जाए फिर गल सुनियो जे किते स्टूडेंट स्टूडेंट बन जाए जिमें आपां स्कूल दे विच जाके सबजैक्ट सीखते हैं आए किते ए स्टूडेंट ए सिख सीखण वाला गुरबाणी नूं गुरु मन के सीखण लग जाए द होल लाइफ विल चेंज ध्यान रखिए सारी जिंदगी अपनी बदल जाएगी। असी सिख कहाने हैं पर सिख बने नहीं गल याद वी कॉल आर सेल्फ अ स्टूडेंट बट स्टिल वी हैव नॉट स्टडीड श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। अपनी इस गल नूं मन्नो कि असी विद्यार्थी गुरु दे कहाने हैं पर गुरु नूं नहीं जानते गुरु नूं नहीं समझिया कि की लिखिया है विच ध्यान but still we call ourselves a Sikh, Tyanak. That's a very strange part. Jeevan vich eh bahut anokhi gal hai ke Sikh apne aap nu Sikh kahano chhadda nahi, bani nu padda nahi. Khyal kariyo. Bani nu vicharda nahi, jeevan vich bani nu lagu karda nahi, par Sikh kahano hatda nahi. Aisi saadi jidd hai, jidd. बहुत बड़ी जिद है ध्यान रखिए कि मैं सिखा जी पर सीखना कुछ नहीं है बाणी पढ़नी है पर सीखने वास्ते नहीं पढ़नी सिर्फ पढ़न वास्ते पढ़नी है कि मेरे काम हो जान मेरी गल सुनी जाए मेरी प्रेज मनी जाए ध्यान रखना मेरी गल रब सुने पर मैं रब दी ना सुना इन अदर वर्ड्स
कि जीवन विच मैं कहना कि मेरी गल तुसी सुनो, जे तुसी देखिया बच्चे नूं, छोटा बच्चा हुंदा ना जिवें मां नूं कहिंदा मेरी सुनो, जो मां कहिंदी है नहीं नहीं मैं नहीं सुननी थोड़ी, मैं नहीं माननी, पिता दी माननी नहीं, पिता कहिंदा मेरी सुन लो, कहिंदा नहीं जी मैं नहीं सुननी, तुसी मेरी सुनो, जे तुसी मेरी नहीं सुनोगे मैं घर छड़ के चला जाना, इत्थे तक बोल दिंदे आपां। याद रखना जिहड़ा जीवन दे विच बंदा है बचपन तो उन्हें एक ऐसी अवस्था नूं इनकलकेट किया होया है, ऐसा इम्बाइब किया होया है, ऐसा उहदे जीवन दे विच ख्याल है कि मैं चाहना कि मेरी लोग सुनन, मैं लोगों की ना सुना, मेरी दुनिया सुने पर मैं किसी की ना सुना। ऐसी साड़ी जीवन की अवस्था बन रही है, ऐसे असी जीवन दे विच डेवलप हो रहे हैं। तुसी कहिंदे ख्याल कीता वी बीइंग सिक्स वी कम हीयर फॉर प्रेयर्स, कि मेरी महाराज आ गल मनो, है ना, मैनू आ तकलीफ है, मैनू आ चीज़ नहीं मिली महाराज, मेरा मैनू गड्डी नहीं मिली, मैनू घर नहीं मिलिया, मैनू नौकरी नहीं मिली, मैनू पैसे नहीं मिल रहे, है ना, आपां कहने मेरी सुनो बस। तो गुरु कहिंदा मेरी सुन लो तुहानू सब कुछ मिलेगा, असं कहने नहीं नहीं तेरी नहीं सुननी सी, तेरे नूं छड़ के चले जाना, नहीं तो होर देवी देवत्यां दी पूजा बथेरे ने बाहर, ध्यान रख असी उत्थे पूजा करांगे जाके। ऐसी साड़ी अवस्था बन गई है। ऐ गुरसिखो गुरसिखो, गुरु असी उहनूं कहने आ जिहड़ा इनर वॉइस साडे अंदरों आउंदी है, जो सानू लीड करदी है। सानू जीवन विच याद रखना इनर वॉइस ऑलवेज गाइड्स अस, यू नो दिस, जीवन दे विच अपने अंदरों रब बोलते ने जो सानू गाइड करते ने। सभै घट राम बोला, रामा बोला, राम बिना को बोला रे। एक गल हुण दूजी गल सुनियो, बंदा चाहुंदा है कि मैं अपनी मर्जी नाल कर्म करा, अपना मन ये चाहता है कि जो मैनू चंगा लगता मैं वो करांगा। ध्यान रखना मन ये नहीं कहता जो गुरु नू चंगा लगता मैं उस तरह करना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साढ़े जीवन में एक अवस्था बन ऐसी बन रही है, मैं चाहना कि जो मैनू चंगा लगता है। तुसी कदे ख्याल किया अज सब तो बड़े डिफरेंसिस पेरेंट्स ते चिल्ड्रन दे विच की ने? कदे ख्याल करो चिल्ड्रन ते पेरेंट्स विच ए फर्क बन रहा है। ते ज्यों ज्यों बच्चा बोलता है ते माता पिता कहने मेरी गल मनो, ते बच्चों नू इरिटेशन पैदा हो रही है। ख्याल करो ते बच्चे इस इरिटेशन विच जिस वेले ग्रोथ लेंदे ने वो चाहते ने कि बस मैं किवें घर छड़ जा। ध्यान रखियो अज की ऐसी अवस्था बन गई है, साइकिक साड़ी बन गई है ह्यूमन की, कि हर कोई बच्चा डेवलप हो रहा घर के विच, ते माता पिता की तो सुनता नहीं, जिस वेले माता पिता टोकते हैं तो बुरा लगता है। ध्यान रखना वह समझते ने बच्चे माता पिता साढ़े दुश्मन हो गए। ध्यान रखना असी जो बोलते हैं तो साड़ी माँ मम्मी डैड तो सुनते नहीं, पर यह नहीं रियलाइज करते कि जे असी बोल रहे कोई लॉजिकल गल बोल रहे हैं, कितने इलॉजिकल तो नहीं है साडा बोलना, वो महसूस नहीं कर रहे। वो ये कह रहे ने बस सानू जो चंगा लगता साडे पेरेंट्स सुनन, जे नहीं सुनते तो अ डे वी आर वेटिंग फॉर, या तो मेरी शादी हो जाए या मैं घर छड़ के चला जावा, मैं इन्हां दे नाल रहना ही नहीं, मैं इन्हां दी शक्ल देखनी ही नहीं। ऐसी अज बच्चों की पेरेंट्स के विच डिफरेंसिस डेवलप हो रहे ने। यू नो ये जीवन की एक ऐसी साडे अंदर इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट मन पुठा काम करता है। बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। ध्यान रखना ये एक इंस्टिंक्ट है। महाराज कहते ने जीवन विच जे चंगे बंदे ने दुनिया विच रहना तो किवें रहना है, कहते उल्टी रे मन उल्टी रे, साकत स्यों कर उल्टी रे। कहिंदे जे तुहानू दुनिया दे बंदे कहिंदे ना आ कम करो ते कहना जी मैं आ कम करना ही नहीं, इह दुनिया दे लोग पुठा चलाउंदे ने सानू पुठा। असी समझण नू राजी नहीं है
जे पेरेंट्स सानू सिद्धिया गाइड करते हैं तो उन्होंने सुनने राजी नहीं आ ते दुनिया नू असी छड़न नू राजी नहीं है। ऐसी साड़ी अवस्था हो रही है। होल सोसाइटी इज चेंजिंग। सो सच्चे पातशाह कहते हैं ख्याल करो, कहते दुनिया की ना सुनो, पहला मेरी सुन लो। आ जी गुरबाणी कह रही है ना, जिन्होंने असं गुरु कह रहे हैं, एंड वी कॉल आर सेल्फ अ सिख। सिख का मतलब लर्नर, होर कुछ नहीं है। सिख का मतलब है सीखन वाला। असी सीखनों हट गए, ध्यान रखना, असी सिखाउन लग गए। साड़ी अवस्था ऐसी हो गई कि असी लोगों नू सिखा देना है, आप सीखण की कोई कोशिश नहीं करनी, ध्यान रखना। ऐसी साड़ी मन की अवस्था बेचैनी विच बदल रही है। तुसी अंदाजा लगाओ, अपना बचपन तो लैके बुढ़ापा आ जाता है, जपजी साहब नहीं समझ आती, सानू नहीं आती समझ, रहरास नहीं समझ आती, कोई एक अद्धा अखर लग गया मन नूं तां लग गया, नहीं तां सतनाम वाहिगुरु ही है, याद रखना। सारी आसा की वार लंघ जाती है, एक भी शब्द गाउण वाले नूं नहीं समझ आउंदा है, ध्यान रखना, पूरी आसा की वार गा जाणगे। अच्छा सिखे होंदे ने, अच्छा राग सिखे होंदे ने, सुरां बड़ा अच्छे चुन चुन के दबियां होंदियां ने, पर शब्द जिस कारण वो सुरां बजाई जांदियां ने वो शब्द नहीं समझ आउंदा। गाउंदे हुंने आपां सारी आसा की वार पढ़ जाने, ताइयों अज साडी ऐसी गुरुद्वारियां दी अवस्था बन गई है कि ओनली पेड रागीज आर डूइंग आसा की वार, अदरवाइज संगत इज नॉट टू बी सीन इन गुरुद्वारास। ख्याल करो, क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी लेनी है तो तुसीं नौकरी देनी है उन्होंने। ऐसी साडी अवस्था बन गई है गुरुद्वारियां दे कीर्तनियां दी, गुरुद्वारियां दे गाउण वालियां दी, कि असी केवल तुहानूं दिखाउण वास्ते असी सारे शब्द पढ़ जाने हैं। तुहानूं समझ आवे चाहे ना आवे, सानूं कोई मतलब नहीं है। ऐसे असी सिंह देख रहे हैं कि असी कीर्तन करदे हां तो विचार करदे हां तो लोग कहिंदे विचार ना करो, सानूं नहीं चंगी लगदी, ध्यान रख। ऐसे लोग उठ के चले जाते हैं। ख्याल करना, बाणी विरलों विचार सी, जे को गुरमुख होए, ए बाणी महापुरख की निज करवासा होए। जेड़ी थानू चंगी ना लगे गल, मन नू उत्थे लैके आओ। जेड़ी गल सानू चंगी लग रही है वो साडे वास्ते चंगी नहीं है, याद रखना। जीवन की अवस्था ऐसी बनी हुई है कि असी बुरे चीज़ां नू देखदे हां ते सानू चंगा लगता है, जिहड़ी अच्छी चीज़ होंदी है उहनू करन वास्ते मन नू मारना पैंदा है। मन मारे बिना कम होंदा नहीं है, याद रखना। एंड इट इज़ ए डिफिकल्ट जॉब ऑन दिस अर्थ, मन नू मारना। देखो, जे तुसीं मन नहीं मारोगे तो पढ़ नहीं सकते, मन नहीं मारोगे तो कारोबार नहीं कर सकते, मन नहीं मारोगे तो घर नहीं वसेगा, है ना। मन नहीं मारोगे तो पढ़ाई नहीं होनी, मन नहीं मारोगे तो साज नहीं सीख सकते, मन नहीं मारोगे तो शब्द नहीं गा पाओगे, है ना। मन मारना पैंदा है। महाराज कहते मन मारना ही बहुत औखा है। तो जदों असी मन मारते हैं सानू समझन की लोड़ है कि मन मरिया सी तां सिखे सी, मन मरिया सी तां टिके सी, मन मरिया सी तां पढ़िया गया, मन मरिया सी तां घर वस गया। जे मन नहीं मरेगा तो यह कोई चीज़ नहीं वसन वाली, नहीं वसन वाली। हुण इस नूं थोड़ा जिहा समझिए कि जदों मन मर जांदा है तां उह पढ़िया जांदा है, कम हुंदा है, जीवन दे विच साडा घर वसदा है, पर साडा मन फिर इमीडिएटली पता की कहिंदा है। जिवें कोई कम हो गया, मन मर के होया सी ना, फिर कहिंदा जी मैं कीता। दैट इज़ द प्रॉब्लम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन दिस अर्थ इज फॉर द ह्यूमन हू सफरिंग, के वह कोई भी कम करके कहना मैं कीता, ये कारण ही बंदा दुखी होंदा है, ध्यान रखना। जीवन दे विच जिथे जिथे मैं कीता कम करके बंदा दा मन कहिंदा है, उथे उथे उहनू सफरिंग्स मिलती है। आ शब्द सुनो, जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख, पढ़े जरा, तब इसको सुख की कहा तुसी,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਕੀਤੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕੱਛ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁੱਖ, ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲੱਗਣ ਵਜਾਉਣ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਲੇਮ ਇਟ ਕਿ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ, ਆਈ ਅਗੇਨ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਬਰਥ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਵਰੀ ਵਨ ਇਜ ਸਫਰਿੰਗ ਫੋਰ ਦੈਟ ਐਂਡ ਨੋ ਬਡੀ ਇਜ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਫੋਕਸਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਸਬਜੈਕਟ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕ ਤੈਂ ਕਰਾਇਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰੇ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ। ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ, ਮਨ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਿਟਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿਟਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਮਿਟੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਲਏ। ਕੈਨ ਯੂ ਰੀਡ ਅ ਬੁੱਕ? ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਮਿਟਦਾ। ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਏ। ਮਨ ਦਾ ਮਿਟਣਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮਿਟਣਾ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਈਟੀਅਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੈਸਨ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਤੁਝੇ ਕਹਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ।
उन्हां दी बाणी दर्ज नहीं की जिहड़े जिन्हें गल कही मैनू पता लग गया जी मैं जानदा जी ये सब मैं करदा जी मैं उही रे जिन्हें जिन्हें कहा ना उन्हां दी बाणी दर्ज नहीं की महाराज ने कि लोग ना कि गुमराह हो जा ना खो सतना इतना महाराज ने एफर्ट्स किए इस बाणी नू संसार दे विच प्रकाश करन वास्ते ता भी सिख बन के सीखण वाला सिख सिख नहीं रहा पर कही जाता मैं सिखा जी मैं सिखा कहते सो सिख सिखा बंदप है भाई जे गुर के भाने विच आवे अपने भाने जो चले भाई विछड़ चोटा खावे आखो सतना सो ख्याल करो जी अज इतना गल दिमाग च बिठायो कि आ जिहड़ा साडे रब साडे मन विच वसदा है ना इस मन ने इस रब का सहारा लेना ते साहिब की टेक नानक मनै माहे है ना मेरे मन विच जिहड़ा रब वसदा मेरा मन उसकी टेक लवे उहदा सहारा लवे आसरा लवे है ना तां जाके तरेगा नहीं तो तरेगा नहीं कोई कम नहीं होएगा थोनू लगेगा सारा काम हुंदा हुंदा अखीर विच तुहाडे हत्थों निकल जाएगा महाराज कहिंदे बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा ध्यान रखना थोड़ी साड़ी सारी आरजा खत्म हो जाएगी तुसी देखिया कदे स्नेक एंड लैडर्स उत्ते 99 दे उत्ते स्नेक हुंदा है ना और डाइस पाउंदा हुंदा जे कितों उत्तों आ जाए थले आके डिगदा है आए 84 लाख जोनी तो मनुखा देही इतनी सर्वोच्च मिली हुई है तो इस मनुखा देही की पौड़ी तो टिके डिगके जो थले आ कहते करतूत पशु की मानस जात ऐसी जीवन की अवस्था हो जाती है सो ऐ गुरसिखो आ गुरसिखो गुरसिखो गुर का अर्थ है टेक्नीक मैथड विधि ढंग तरीका सो गुरु तो असं गुर सीखते हैं आ दो शब्द नहीं असी अज तक डिफरेंशिएट कर पाए जिथे गुर बोलते हैं उत्थे गुरु कह दें नहीं कह दें मैं एक लाइन च दोनों शब्द पढ़ रहा गुरबिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे दोनों शब्द पढ़े इहदा अर्थ की होया असी गुरु गुरु कर दें नहीं कर देंगे गुर का अर्थ है कि टेक्नीक मैथड विधि ढंग तरीका आ गुर मेरा मन सीखे गुरु तो बाणी तो गुर लवे सो सतगुर सच्चे पातशाह जी की आ गल जीवन च अज इन्नी बसा के जायो कि गुरु तो असी गुर लेना है आ देखो गुरु है ना शब्द उत्ते देखियो जरा लैन गुरु तो असी की लेना है गुर सो गुर डजंट मीन गुरु गुर मीनस द टेक्निक मैथड विधि ढंग तरीका जो गुरु बख्शिश कर रहा है जेड़ा रब मेरे विच है मैं रब विच किवें उस मैथड नू अपना के ओदे विच समा जावां ओ गुर सिखना है सो बाणी सानू गुर दिंदी है हुण शब्द पढ़दे आ ना आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जाणिया जाणिया आनंद सदा गुर ते उत्थे गुर लिखे गुरु नहीं लिखिया उत्थे ध्यान रखना जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै पहला गुरु बोले हुण अगे गुर बोलांगे कहिंदे जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे होवे तां सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले असी सन्मुख नहीं हो पाए अज तक गुरु दे सन्मुख होना दा अर्थ है गुरु जो सानू टेक्निक दस रहा है विधि दस रहा है उनू अडॉप्ट करना उनू एक्सेप्ट करके चलना तां समझो मैं गुरु दे सन्मुख हो गया सो ख्याल करियो जीवन दे विच गुरु तो गुर लेना ए जीवन दे विच महाराज कहिंदे भाई कर्म करदिआं होइआं मैनू रब की उस्तत मिले मेरा मन अपनी उस्तत ना करे मेरा मन अपने आप नू रिफ्लैक्ट ना करे कि आई डिड इट माई माइंड शुड लर्न टू से दिस के इट्स बीन डन बाई गॉड एंड आई शुड बी थैंकफुल टू हिम दैट डिवोशन माई माइंड शुड लर्न दैट्स वाई ही इज कॉल्ड अ डिवोटी मैं डिवोटी तां बनया ना जी जे रब नू डिवोट होवांगा जे रब नू समर्पित होवांगा जे रब नू समर्पित नहीं होया मैं भगत नहीं बनांगा
महाराज कहते भगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीरत गाव दे कहते तेरे दर ते ओ भगत पाते ने तेनों जेड़े तेरे दर के उत्ते किरत करते हैं तेरी कीर्ति गाते ने तेरा जस गाते ने कोई कर्म करके कदे भुल के नहीं कहते मैं कीता जिस वेले उन्हें कहता मैं कीता ही हैज फेल्ड इन टू दैट प्रोसैस महाराज कहने वो बंदे ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया सो भुल के नहीं कहना मैं कीता जदों जदों कोई बंदे दे विच सफरिंग्स आएंगी आउणगियां ही तद महाराज कहने कोट कर्म करे हाँ तारे ध्यान रखना करोड़ा तुसी कर्म कर लियो कर्म करके कह दियो मैं कीता हाँ तारे कहने शर्म पावे सगले बिरथारे आखो सतना वो सारे एफर्ट्स बिरथे हो जाएंगे ध्यान रखना वो सारे थोड़े साढ़े एफर्ट्स पाए हुए बेकार हो जाएंगे प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दिस सो ख्याल करो कहने कर्म मिले आखण तेरा नाओ कहने जित लग तरना होर नहीं थाओ कहने जिस नाल जुड़ के आपां संसार तो तरांगे होर कोई दूजा रास्ता है ही नहीं गल समझ आ रही है जी सो ख्याल करियो ये गल साडे दिमाग च बैठ नहीं रही सानू ये रिपीट करना पै रहा बार बार रिपीट करना पै रहा बिकॉज माइंड हैज नेवर लिसन टू इट एक्सेप्टेंस की तो बहुत दूर की गल रही ध्यान रखना ये गल साडे मन च वस ही नहीं रही जदों तुसी असी चंगा काम करके लोगों को दसांगे ना मैं कीता समझना अगे तो चंगा काम होना बंद हो जाना है रेस्ट श्योर दिस कि जदों मैं पाठ करके कह दिया ना लोगों के मैं पाठ किया कौलियां रखिया ने असी बना के ले आए हैं ये समझो कि साडा ये शरीर है येलो वन ठीक है जी आ जड़ा काला है ये साडा मन है ये साडा मन है आ जड़ा चिट्टा जा है ना ये साडी आत्मा है आत्मा अपने विच ते यही आत्मा सब दे विच है तेनू परमात्मा कहने ने की कहने ने परमात्मा परमात्मा दा अर्थ है कंप्लीट आत्मा ये टोटल जेड़ी दुनिया दे विच आत्मा रहिंदी है सब दे विच असी उनू परमात्मा कहने हैं ध्यान रखना आत्मा अपने विच सब दे विच परमात्मा ख्याल करियो हुण दास तुहानू ये समझा रहा है कि आ जेड़ा शरीर है ये आत्मा बना दी है ये रब बना है तुसी ख्याल करो आ जरा काला काला हो गया ना काला ये साडा मन है महाराज कहते जन्म जन्म की मल लागी इस मन को काला हो आशा कई जन्मा दी इस मन नू मल लगी हुई है ये काला हो गया काला खलनी धोती तो उजली ना हो वही जा जे सौ धोवन पाह ध्यान रखना आ जरा मन है साडा मन मीनस मी आई आ जरा शरीर दे विच साडा मन वसदा है ना ये शरीर दे विच साडा मन वसदा है ते मन समझदा है कि मेरा शरीर है यही समझदा है ना मन ये नहीं समझदा है ये शरीर मेरा नहीं है ये शरीर एदा है इन्हे बनाया है ताकि मैं ये शरीर दे विच रहिंदिया होया मैं इस दे विच मिल जा इस दे विच समा जा ये दे विच लीन हो जा ध्यान रखना मैनू जीवन ये मिलिया इस वास्ते है कि मैं इहदे विच लीन हो जा ध्यान रखना नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी इहनू कहिंदे ने जीवन ज्यौंदियां मुक्त होना द परसन हू नेवर गैट्स इमैंसीपेटड वाइल लिविंग जिहड़ा बंदा ज्यौंदा मुक्त नहीं हुंदा वो मरण तो बाद मुक्ति नहीं पा सकता आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि ख्याल करियो कि जेड़ा बंदा क्लास विच रह के पढ़ के पास ना होवे वो बाहर रह के किवें पास होएगा नहीं होएगा उन्हूं फिर क्लास विच आना पैंदा है उन्हूं कहंदे ने भाई तू हुण फेल हो गया यू अगेन हैव टू रिपीट योर क्लास ध्यान रखियो एवें जिक्र जदों असीं फेल हो जाने हां अगेन वी हैव टू टेक बर्थ
मनमुखां नू फिर जन्म है, मनमुखां नू फिर जन्म है। नानक हर पाए सच्चे पातशाह सानू ये समझा रहे ने कि आपां ए शरीर दे विच जे आए हैं, ए मन ने ए गल समझनी है कि आ जिहड़ा शरीर है ना मेरे कोल, ए रब ने बनाया मेरे वास्ते, ते मैनू मेरा शरीर वो चला रहा है, मैं नहीं चला रहा। तुसीं कदे ख्याल कीता मैनू तां इस शरीर का एक सैल बनाउणा नहीं आउंदा, आउंदा साडे मन नू। थानू आउंदा कि थानू ऑर्गन्स किवें बनाउणे ने, थानू सैल किवें बनाउणे ने, नर्वस सिस्टम किवें ले करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम किवें ले करना, स्केलेटन सिस्टम किवें तुसीं बनाउणा है, थानू आउंदा? एक भी नहीं सैल बना सकता साडा मन। ये बहुत चलाकियां करता है, ध्यान रखना। ये कहता मेरा शरीर है ना, मेरा शरीर नहीं है, ये रब का शरीर है। महाराज ताइयों कहते हैं जो दिस है सो तेरा रूप आखो सतना। आ जिहड़ा रब साडे विच वस रहा है, ये रब का, इस रब का ये रूप है। आ जिहड़ा शरीर है ये मेरा नहीं है, याद रखियो। अपने मन ने यह शरीर दे विच तां जन्म ले लिया है, ये रब की खेड है कि इस शरीर विचों जे रब सब कुछ कर सकता है शरीर दे विच, ते शरीर तो बाहर भी एदा ही कीता हुंदा है, ये मन ने मनना है। आखो सतना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ख्याल करियो कि जे इस इत्थे थोड़ी जी फट सरा सरा सार रखियो, इस शरीर दे विच जे मन कुछ भी करता है, मन नूं ये रियलाइज करन दी लोड़ है, ये सिक्ख्या देन दी लोड़ है, ये सिखण दी लोड़ है कि जे मेरे शरीर दे विच एदा कीता सब कुछ हुंदा है, ध्यान रखना कि बाहर एदा कीता नहीं हो सकता। ख्याल करियो जे मेरे शरीर दे विच मेरा कीता कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ना मैनू सैल बनाउणा आउंदा है, ना मैनू हारमोनस क्रिएट करने आउंदे ने, ना मैनू बैलेंस करना आउंदा हारमोनस नू, ना मैनू एक भी खून की बूंद नहीं बना सकता मैं। इफ एवरीथिंग इज बीन डन बाय गॉड विद इन मी फॉर मी टू लिव इन दिस बॉडी, आई शुड रियलाइज दिस। आखो सतना। एक दिन मैं ये शरीर नू छड़ के चलिया जाना है, लोगों ने शरीर नू फूक देना है, लोगों ने कहना जी ईश्वर सिंह इस शरीर में सीगा ना, जिहड़ा ईश्वर सिंह चला गया, सपोज आई डाई डाउन, तो लोग ये कहेंगे ना ये तो बॉडी तो इत्थे पई है जी, इनू फूक दियो, ईश्वर सिंह इज नो मोर, आई एम नो मोर दैन, दैट मीनस मैं इस शरीर में छड़ के चला गया। जदों मैं शरीर में छड़ के जाऊँगा तो मैं फिर जन्म लूँगा, तो कित्थे जन्म लूँगा दसो तुसी? मैं इस माता पिता ये बच्चों का नहीं बनूंगा ना, मैं इस बच्चों का फिर अगे जाकर बच्चे बनूंगा, वो बच्चे मेरे माता पिता होंगे बाद विच। तुसी कदे ख्याल कीता अपने घर कदे बच्चे जन्म लेने से कहने मेरे दादी वर्गा है जी, मेरे नानी वर्गा लगता मैनू, ये है ना, देखिया कदे? यस, वी हैव नॉट रियलाइज दैट। तुसी कदे देखिया बच्चे थोड़े नाल वधिया वधिया गल्लां बोल जांदे ने कदे कदे, असी फिर भी हंकार च हुंदे आ, कहिंदे नहीं मैं तेरी मां, तू मैनू समझाएगा, मैं तेरा प्यो है, तू मैनू दसेगा, आए करदे हुंदे आपां। तुसी कदे ख्याल कीता? कहिंदे हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। प्रहलाद प्यो नूं समझाउंदा सी कि पिता जी तुसी गलती ना करो। जिहड़ा हरनाकश सीगा ना, ये हरनाकश चारों वेदा का ज्ञाता सी पर हंकारी हो गया सी। जिवें असी पाठ करी जाने हाँ असी भी हंकारी हो जाने हाँ, ध्यान रखियो। आए वो भी वेद बहुत रटे हुए सी, उन्हें इन्ने वेद रटे हुए, रब तो उन्हें सारे वर ले, वर लैन तो बाद बुद्धि ऐसी फिरी तो वह कहता जी मैं रब हो गया, आई एम गॉड। पुत्र समझा रहा उन्हें कि पिता जी तुसी रब नहीं हो। आखो सतना। रब तुहाडे विच वसदा है पर उहनूं समझ नहीं आई। इस तरह ही सानू भी समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही। ऐ गुर सिखो, गुर सिखो,
जिन्हां जिन्हां ने इस शरीर दे विच रहिंदिआं होइआं अपने आप नू मारिआ, जिन्हां जिन्हां ने अपने आप नू नहीं जनाया, हर कोई काम करके कहा मेरे मालिक सब कुछ कीता तेरा होवै, सब कुछ कीता, एक बार कह दिओ सब कुछ कीता तेरा होवै, नाहीं किछ असाड़ा जियो, मेरा कीता होया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हुण आपां किन्ने उम्र होगी देखो, किन्ने गुरुद्वारे च आपां किन्नी वार बैठे, आ गल नहीं समझ आई सानू, सिखाई नहीं रहा कोई, संत करके जानना सानू कोई दस ही नहीं रहा, असी होर ही पासे तुर पे। हर कोई कहना मैं कीता जी, मैं कीता जी, मैं कीता, महार कहने भाई मत कोई जाने किसी के कुछ हाथ है, सब कुछ करे कराया, साडे मन नूं समझ नहीं आ रही, असी सिख ही नहीं रहे। ऐ गुरसिखो सिखो, जदों तुसी कोई काम कर दिओ ते मिट दिओ तां काम हुंदा है, जदों मिटदे हुंदे हो ते तुसी थोड़ी करदे हुंदे हो, वह रब करदा हुंदा है तुहाडे विचों, जे तुसी मिटे तां होया, जे तुसी मिटे तां घर बसिया, जे तुसी मिटे तां पढ़ पाए, जे तुसी मिटे तां चल पाए, जे तुसी मिटे तां सिखे, जे तुसी मिटे फिर वह कीता कीदा होया, रब दा कीता होया, तुहाडा तां नहीं होया। ते साडा मन जे गल ये कह दे ये मैं कीता मिटन तो बाद, फिर मन मूर्ख नहीं तो होर की है, आखो सतना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कदे भुल के नहीं कहना मैं कीता, मेरी मेरी करते जन्म गयो, कई जन्मां दे आपां मैं करदे ही मर गए, आओ जन्म भी अपना मैं करदे मर जाना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जब लग मेरी मेरी करै तब लग काज एक नहीं सरै। की कहा दसो, यू आर अ सिख राइट, एंड आई एम रीडिंग द बाणी ऑफ माई गुरु। माई गुरु सेज जब लग मेरी मेरी करै तब लग काज एक नहीं सरै, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। व्हाट आर वी सेइंग? असीं ये कह रहे हैं कि जिस वेले मैं कोई काम करता हुन्ना ते मैं मिटदा हुन्ना तां काम हुंदा है, ते ओ जिस वेले मैं मिटिया हुन्ना ते मैं तां नहीं करता हुंदा, रब करता हुंदा है। जब हम होते तब तू नाहीं, अब तू ही मैं नाहीं। आ सिंपल प्रोसेस नूं साडा मन लिंक नहीं कर पा रहा, कनैक्ट नहीं कर पा रहा। ऐ गुरसिखो गुरसिखो, ध्यान रखना, ख्याल करियो, अगे तो थोड़े पाठ होने बंद हो जाने ने। जदों तुसी सेवा करके लोगों को दसन लग जाओगे ना, मैं सेवा करके आया, मैं सेवा की, बड़ी लोगों की सेवा करता मैं, समझना थोड़े दिन सेवा बंद हो जानी है। भुल के नहीं कहना जी, नहीं कहना जी, नहीं कहना। सो इस गल नूं विचारो, सेवा करके कहना मालिक तैं सेवा आप लीती, इस वास्ते लीती तू चाहुंदा सी कि मैं तेरे नाल, मैं तेरी पहचान पावां, मैं तेरे गुण गा के तेरे च समा जावां, तू चाहुंदा सी कि मैं बख्शिया जावां इस जीवन दे विच, ते तू मैनू सेवा दित्ती सी तां मैथों सेवा होई, ते कराई तैं सी ते तां होई, नहीं तां मैथों नहीं होनी सी। ए गल मन च बिठा दिओ, मन च टिकाओ। जे तुसी सवेरे उठ के वाहिगुरु भी कहा ना, ये ना कहो मैं वाहिगुरु कहा, कहना मालिक तू जपाया सी तां जपया, आखो सतनाम। आप जपाए जपे सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। सो ख्याल करियो, इवन अ सिंगल स्मॉल स्टेप इफ यू हैव टेकन गुड, प्रेज या गॉड, नहीं तो वह चंगा होना बंद हो जाना है। ध्यान रखना, वो जीवन दे विच रिकोशिट कर जाएगा, ध्यान रखना, मुड़ के थोड़े हाथ च नहीं आएगी वह अवस्था, ध्यान रखियो। सो जीवन विच इस सच नू पहचानियो। महाराज कहिंदे जियो तपत है बारो बार, साडा जी बार बार तपदा है, कहिंदे तप तप खपे बहुत बेकार, जैतन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विल लाए, आखो सतनाम। जिस दे तन दे विचों ए रब दी बाणी विसर गई ना जी,
अपने आप नूं जना के अपने आप नूं बुलाउण लग गया ना हंकार विच, महाराज कहिंदे पक्का रोगी हो गया। आखो सतनाम, पक्का रोगी हो। सच्चे पातशाह कहिंदे हन भाई फिर रब नूं कुछ नहीं बोलना, ये भी गल याद रखना। कहिंदे जिहनूं तुसीं अंतरजामी समझदे हो कि ही नोज एवरीथिंग, ही इज ऑल माइटी, वो थोड़े अंदर वसदा है, उन्हूं कोई गल दसण दी लोड़ हुंदी है? साडा मन मूर्ख है, उन्हूं दसदा हुंदा है। जिहड़ी गल मैनूं ओह तों जाननी है मैं नहीं जानदा, मैं उन्हूं दसदा हुंना, है ना। महाराज आ काम खराब हो गया, आ नहीं होया, महाराज आ कदों करेगा, एज इफ मैं सियाणा, रब मूर्ख है। आखो सतनाम, है ना। रब कोई मूर्ख है? रब कोई बच्चा है? उन्हूं बार बार बोलते हैं असीं आ की, महाराज कहते बिल्कुल नहीं बोलना। महाराज कहते बहुता बोलन चखण होए, बिन बोले जाने सब सोए। वो तो बिना बोलिया जानता है। जिस दिन साढ़े मुख तो अरदास करनी बंद हो जाएगी ना जी, बोलना बंद हो जाएगा ना, तो समझना साड़ी अरदास शुरू होगी। जिस दिन साढ़े शब्द खत्म हो जाएंगे, आ दे दियो महाराज, आ दे दियो, आ नहीं दिता, नौकरी नहीं दिती, बच्चे नहीं दिते, मैंने सुख नहीं मिलया, है ना। जिस दिन साढ़ा शब्द मर जाएगा ना, मन बोलनों हट जाएगा ना, तो समझियो अपना मन हुण लिबरेट होण लग गया। आखो सतना, शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरन ना होई। साडे मन ने कदी पढ़िया ही नहीं है बाणी। सो ख्याल करियो, महाराज कहते हैं जीवन विच, कहते जिन्हें आपां नूं देखो कन्न अख नक कहते जेवा दित्ती है, कादे वास्ते दित्ती है दसो? लोगों गुमराह करन वास्ते, उल्लू बनाउन वास्ते, लोगों मूर्ख बनाउन वास्ते। कहते भाई ये अखां तां दित्तियां ने मैं अखी वेख के फिर कहां, है ना। जदों कोर्ट विच भी किसी बंदे का विटनेस हुंदा है, उस बंदे का विटनेस हुंदा है जिन्हें जिहड़ा आई विटनेस हुंदा है, ध्यान रखना आई विटनेस, हीयर से कोई विटनेस नहीं हुंदा है। कोई कहे ना मैं सुन के थोनू दस रहे हैं जी, तो कोर्ट भी कहेगा गैट आउट, ध्यान रखना। जिहड़ा बंदा कहिंदा ना मैं अखी देखी है गल, कहिंदा जी इहने देखी है, इहनू सजा दे दिओ, ध्यान रखना। सो ख्याल करियो, अखी वेख के कहना उहनू आखना कहिंदे ने, आखना। कहते असी अज तक आंख नहीं पाए, आंख आंख रहे लिव लाए। कदे ख्याल कीता, असी अखी जदों तक नहीं वेखांगे उदों तक साथों बोलिया नहीं जाना। जदों तक साडा मन इस गल नूं महसूस नहीं करेगा कि मेरे मालिक वाकई शरीर नूं मैं तां बनाया नहीं, तैं बनाया, तेथों बिना होर कोई है नहीं मेरे नाल, तू ही बनाउणा है। उन्हों कहते ने हूँ अखी वेख के हूँ कहन लग गया। महाराज कहते इन्नी अखी नजर ना आवे जिचर शब्द ना करे विचार। जदों तक शब्द की विचार नहीं करांगे उदों तक अखा नाल मन की अखा खुलनगियां नहीं, नहीं खुलनगियां। असी अखा नाल रब नूं देखण की कोशिश करते हैं, सानू दूजे भी अपने वर्गे नज़र आते हैं, ध्यान रखना। महाराज कहते तुसी अपने अंदर समझ के देखो ना, फिर देखो ना तुसी अच्छा काम करके, जिस वेले तुसी कहोगे मैं नहीं कीता, रब दा कीता होया, फिर दूजे नूं देखो, जदों दूजा कोई करदा हुंदा है उहदे विच्चों भी रब करदा हुंदा है, फिर तुहाडा मन कहेगा ये मेरी माँ नहीं कर रही, रब कर रहा है। फिर कहोगे ना, फिर दिखेगी ना माँ विच रब। जीवन विच सानू हाले माँ विच रब नहीं दिखिया, साडे प्यो विच रब नहीं दिख रहा, साडे माता पिता बच्चे नूं अपने विच रब नहीं दिखा पा रहे, ध्यान रखना। महाराज कहते मात पिता साक अगले तिस बिना नहीं कोए। माता पिता तो अगे जितने साक ने, रिश्ते ने, ये रब तो बिना कोई दूजे नहीं हन। बिकॉज वी आर इलिटरेट, वी हैव नो नॉलेज ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। असी अपने आप नूं जनाउने आ ते वह भी जनाई जाते ने, बच्चे भी जनाई जाते ने। माता पिता कहते मैं भी किया, मैं भी किया, बच्चा कहता मैं भी किया। जीवन विच कदे नहीं कहना, नहीं कहना। अपने विच रब नूं महसूस करके बोलना, इहदे गुण गाउणे, आपां रब दे डिवोट बनो ते अपने आप नूं मिटाओ, उस मिटन दी अवस्था विच रब नूं पाओ। आप गवाइए तां सौ पाइए,
सो इस गल नू विचारियो महाराज कहिंदे जिन मन राख्या अग्नि पाए जिन्हें मन नू अगन दे विच भी रखिया है माता दे उदर विच प्रतपाल की है महाराज कहिंदे वाजे पवन आखे सब जाए कहिंदे जिस वेले तेरे तू पैदा होया तेरी हवा श्वास लैन लग गया तू सब कुछ बोलन लग पिया तू समझदा मैनू जान पता है कहिंदे जी नू पता है उहनू पुछ के देखो भाई जिन्हें इंट्रोवर्ट होके देखिया ना इंट्रोस्पेक्ट किया अपने आप नू उन्होंने पुछो किवें मैनू अपने जीवन विच मूव करना चाहिंदा है सो सच्चे पातशाह कहिंदे हन महाराज कहिंदे जेता मोह प्रीत स्वाद यू नो वॉट्स मोह इज मोह का अर्थ है पहला एक पंक्ति पढ़ के देखियो कहिंदे महाराज कहिंदे हन कहिंदे पंकज मोह पग नहीं चल है हम देखा तह डूबिय ले मन एक ना चित समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया जदों आपां मोह विच होंने आ रब की प्रीति नहीं होंदी अपना ही अपनी प्रीति होंदी है ध्यान रखना असी अपने आप नूं जनाउने आ ते कहने मेरा बच्चा है असी ये नहीं कहिंदे रब का बच्चा है ना एक पिता एक सके हम बारक है ना जिमें मैं आया उस तरह मेरे बच्चे भी आए ने जिमें मैं मिट के रब दे विच मिलना है आए बच्चिया ने भी मिटना तो रब दे विच मिलना है ना आए कलगीधर पातशाह दे मूहरे अखां दे मूहरे बच्चे जिस वेले जान लगे ना चमकौर दी गड़ी विचों ते सिख कहन लगे महाराज सानू हुक्म करो ये बच्चे छोटे ने असी शहीदी पा दें तो महाराज कहिंदे बेटा जिन्ने तुसीं प्यारे हो वह भी उतने ही मैनू प्यारे ने आखो सतनाम है ना जदों महाराज के मूहरे शहीदी पा गए ना बच्चे तो महाराज ने पता की कहा मेरे बच्चे नहीं कहते तेरी मानसी तेरे कोल पहुंच गई आखो सतनाम समझो मोह खत्म हो गया मोह खत्म हो गया साढ़े शरीर का मोह है सानू असं कहने मेरा है असं मन ये नहीं कहना मेरा नहीं तेरा है मन तन तेरा तन भी तेरा है ना हाले मूह की पकड़ है मेरे मन च महाराज जेता मोह प्रीत स्वाद कहने एक कालख है सपा कालख दागा दाग कहने दाग दोष मोहे चलिया लाए दरगे बैसन ना ही जाए दरगाह विच जगह नहीं मिलनी अपन ध्यान रखना यह बहुत बड़ा दाग है जेड़ा मेरा 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 मन कहते ना मेरा शरीर है तन मेरा है मन मेरा है ना महाराज मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा वेन दिस सिचुएशन विल कम साढ़े मन की अवस्था कदों बनेगी ऐसा आई एम रियली वरिड ऐ मेरे मना इस गल नू समझ समझो कि जे तुसी संसार विच आए हो सुख भोगना चाहते हो बच्चों सुख देना चाहते हो कदे भी कोई काम करके बच्चों ना कहो मैं कीता बच्चों रियलाइज कराओ कि बेटा जे रब ना कराउंदा तो मैं ना कर सकता है ना स्टार्ट प्रेजिंग योर गॉड वो थोड़े विच वसदा है सब कुछ घर में बाहर नहीं बाहर टोले सो भरम पलाही ध्यान रखना सो कदे मूर्ति की पूजा नहीं करनी ज्यूंदी मूर्ति विच रब नू देखना आखो सतना असी जेड़े पत्थर की मूर्तियां विच रब नू देखदे ने वह ज्यूंदे मूर्तियां नू देख नहीं सकते ध्यान रखना महाराज कहिंदे बुत पूज पूज हिंदू मूए सच्चे पातशाह की बाणी है कहिंदे भाई बुतां की पूजा ना करो ज्यूंदे बंदियां विच रब नू देखो ध्यान रखना हर जाति विच देखो सब दे विच देखो सब में सच्चा एको सोई तिसका किया सब कुछ होए ध्यान रखना सो ऐ गुर सिखो प्लीज लर्न दिस अंडरस्टैंडिंग एंड बी अ सिख बी अ ट्रुथफुल सिख ध्यान रखना सो सच्चे पातशाह कहते हैं कहते कर्म मिले आखन तेरा नाओ जित लग तरना होर नहीं थाओ जे को डूबे फिर हो वै सार जिहड़ा बत्ता बंदा इहदे विच डुब जांदा है ना मर्ज कर जांदा है अपने आप नूं नहीं जणाउंदा ओनूं जीवन दी सार मिलदी है भाई आखो सतना ओहो ही बंदा कह सकदा है सब कुछ करके कि सब कुछ कीता तेरा होवै ना ही कुछ असाड़ा जियो अखीली लैन कहिंदे नानक साचा सर्वदातार ऐसा साचा सारयां दे विच
मैनू दीन दा नजर आउंदा है। आखो सतनाम। आओ इस पंक्ति नू पढ़ के फिर समाप्ति है, पढ़ो जरा जी। करम मिले आखर तेरा नाओ, करम मिले आखर तेरा नाओ, तेरा नाओ 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 तेरा नाओ। जित लग तर सर्वदाता
कर्म मिले आखर तेरा नाम 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 एक बार सारे कहो वाहे गुरु संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा सर्व सुख हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाए सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता हरत महत दिवस रात दोए लाई दाया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म अधूर करमी आपो आपनी केड़े के दूर जिनी नाम त्याया कैम सकत घाल नानक ते मुखूजले केती छुटे नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।